कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स को जोड़ना, आपस में उन्हें कनेक्ट करना। अब सबसे पहले बात ये आती है कि आखिरकार ये जो कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का, हम करते ही क्यों हैं? कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स का जो करना है, एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स को हमें आपस में कनेक्ट करना है, तो आखिरकार क्यों करेंगे हम ये? सबसे पहले उसको समझते हैं और उसके बाद कॉम्बिनेशन किस तरह के होते हैं उसको देखेंगे, और कैसे कैसे कॉम्बिनेशन कर सकते हैं उसको करके, और उसके बाद उनसे जो कुछ भी हमें जानकारी हासिल होगी उसको हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में सबसे पहले, जैसे कि मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि हम कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं, एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स को हम आपस में कंबाइंड क्यों करेंगे। तो उसके हमारे पास दो रीज़न हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, दोनों मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। कैपेसिटर्स को आपस में कंबाइंड करने का पहला रीज़न तो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है, या कुछ सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है कि हमें कैपेसिटर की एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, लेकिन उस वैल्यू का कैपेसिटर हमारे पास नहीं है। जैसे हमें हमारे किसी पर्पस के लिए 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर चाहिए, लेकिन उतनी कैपेसिटेंस का कैपेसिटर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमारे पास 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, हमारे पास 2 माइक्रोफैरड का है, 3 माइक्रोफैरड का है, हमारे पास ऐसे कैपेसिटर हैं, लेकिन जो हमको चाहिए 5 माइक्रोफैरड वो हमारे पास नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन पे भी हमारे पास जो भी कैपेसिटर्स हैं, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, इनको आपस में कंबाइंड करके हम हमारा जो रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस है, जो हमारा जरूरत है जिस कैपेसिटेंस की, वो हम बना सकते हैं। एक तो ये रीज़न है, ठीक है। फिर से पहला रीज़न कि हम कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं, कि जिस वैल्यू का कैपेसिटर हमको ज़रूरत है, जिस वैल्यू का कैपेसिटेंस हमको चाहिए, वो कैपेसिटेंस का कैपेसिटर हमारे पास नहीं है। हमारे अगर 5 माइक्रोफैरड चाहिए और हमारे पास 1, 2, 3 माइक्रोफैरड हैं, तो ऐसे सिचुएशन पर वी नीड टू कंबाइन देम, और उनको कंबाइंड करके हम 5 माइक्रोफैरड पा जाते हैं और हमारा काम बन जाता है। एक तो ये कारण है। दूसरा रीज़न कि हम कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं, दूसरा रीज़न ये है कि कैपेसिटर हम यूज़ ही क्यों करते हैं। तो आंसर है, कैपेसिटर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि कैपेसिटर में हम चार्ज स्टोर करते हैं, कैपेसिटर में हम एनर्जी स्टोर करते हैं। तो हो सकता है कि एक कैपेसिटर उतना चार्ज और उतनी एनर्जी स्टोर नहीं कर पाता जितनी हमको ज़रूरत है। बात समझ में आई? एक कैपेसिटर ना तो उतना चार्ज स्टोर कर पा रहा है जितनी हमको ज़रूरत है, और ना ही तो उतनी एनर्जी स्टोर कर पा रहा है जितनी हमको ज़रूरत है। हमको और ज़्यादा चार्ज चाहिए, हमको और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ऐसी सिचुएशन के लिए भी हम कैपेसिटर्स को, एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स को आपस में कंबाइंड करते हैं। तो अगर एक कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर पाता है 100 जूल, तो हमें 500 जूल एनर्जी चाहिए, तो हमने 5 कैपेसिटर्स कंबाइंड कर लिए और हमें 500 जूल एनर्जी मिल जाती है। एक ये भी रीज़न हो सकता है। फिर से, एक कैपेसिटर उतना चार्ज और उतना एनर्जी स्टोर नहीं करता है जितना चार्ज और एनर्जी हमें हमारे किसी पर्पस के लिए ज़रूरत है।
तो ऐसे सिचुएशन पर भी हम एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स कंबाइंड करते हैं और बड़ी ईजली अपनी मन मर्जी का चार्ज स्टोर कर लेते हैं, जितनी हमको ज़रूरत है उतनी एनर्जी स्टोर कर लेते हैं। इस काम के लिए भी हमें एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स को कंबाइंड करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा हो गया रीज़न। एक और रीज़न हो सकता है, मैंने पहले बोला था कि दो रीज़न होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये दो हो गए। एक और रीज़न हो सकता है कि हम कैपेसिटर्स को कंबाइंड करते हैं। देखिए बेटा ध्यान से, हम जो चार्ज की कैलकुलेशन और जो एनर्जी की कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला अवेलेबल है? कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, फॉर कैलकुलेशन ऑफ चार्ज हमारे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है दैट इज क्यू इज इक्वल टू सी इन टू वी। सभी स्टूडेंट्स जानते हैं C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, देन क्यू इज इक्वल टू सी इन टू वी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ चार्ज एंड फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। कैपेसिटर वाले किसी सर्किट में एनर्जी की कैलकुलेशन ऑफ कैसे करते हैं? तो एनर्जी की कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास जो सबसे फेमस फॉर्मूला है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, दैट इज हाफ सी इंटू वी स्क्वेयर। अब कैपेसिटर वाले किसी सर्किट में भले हमको चार्ज कैलकुलेट करना हो, भले हमको एनर्जी कैलकुलेट करनी है, आप देखिए कि हमको चाहिए क्या। हमको कैपेसिटेंस चाहिए। देखिए यहाँ पर भी कैपेसिटेंस आ रहा है और यहाँ पर भी कैपेसिटेंस आ रहा है, और दोनों फॉर्मूलों में न सिर्फ कैपेसिटेंस आ रहा है बल्कि केवल एक जगह पर कैपेसिटेंस आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि कैपेसिटर वाले किसी सर्किट में चाहे हमें चार्ज कैलकुलेट करना हो, चाहे हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी हो, दोनों ही कामों के लिए कैपेसिटेंस की हमको एक वैल्यू की जरूरत रहती है। बस कैपेसिटेंस की मुझे एक वैल्यू चाहिए बस। अगर लेकिन अगर किसी सर्किट में कोई सर्किट ऐसा है जिसमें हमने एक से ज़्यादा कैपेसिटर लगा के रखे हैं, तो वहाँ पर चार्ज की कैलकुलेशन और एनर्जी की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? आपको ये थर्ड रीज़न समझ में आ रहा है बेटा? एक बार फिर से सुनिए। कैपेसिटर वाले किसी भी सर्किट में भले हमको चार्ज कैलकुलेट करना हो, भले हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी हो, इन दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज़ के कैलकुलेशन के लिए हमें कैपेसिटर की कितनी वैल्यू ज़रूरत पड़ती है, कैपेसिटेंस की कितनी वैल्यू चाहिए? आंसर है कैपेसिटेंस की केवल और केवल हमको एक वैल्यू चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मूले में भी एक ही जगह सी आ रहा है और एनर्जी के फॉर्मूले में भी तो एक ही जगह सी आ रहा है। इसलिए दोनों के कैलकुलेशन के लिए हमें वी नीड ओनली वन वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। लेकिन अगर हमने किसी सर्किट में एक से ज्यादा कैपेसिटर्स जोड़ के रखें, कनेक्ट करके रखें, तो वहां पर हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? जैसे थोड़ा इसको फिर से समझिए आप ध्यान से। हमारे पास एक ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर का ये सिंबल अब आप जानते हैं। दो प्लेट्स होती हैं, एक प्लेट इधर और एक प्लेट इधर। इसका कैपेसिटेंस है C, धारिता। इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच हमने एक बैटरी लगा दी यहाँ पे। ये हमने बैटरी लगा दी, ये बैटरी का सिंबल है, जिसमें भी कैपेसिटर की तरह दो लाइंस का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन बैटरी के सिंबल में एक लाइन थोड़ी बड़ी बनाई जाती है और एक लाइन थोड़ी छोटी बनाई जाती है। बैटरी में जो लाइन लंबी होती है वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होती है, जो बैटरी की लाइन छोटी बनाई जाती है वो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल होती है। ओके, अच्छा, ये बैटरी का सिंबल क्या है और इसमें क्या क्या होता है, ये सब
हम स्टडी करेंगे जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। इस पर मैं आऊँगा कि बैटरी क्या होती है। ये कैपेसिटर लगा के रखा, इसका कैपेसिटेंस सी है। हमने जो बैटरी लगाई इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा, 6 वोल्ट की लगाई, 5 वोल्ट की लगाई, 2 वोल्ट की लगाई, या 12 वोल्ट की बैटरी आपने लगाई है। जितने वोल्ट की बैटरी लगाई है वो उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। बाय चांस मैंने मान लिया कि हमने जो बैटरी लगाई है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी है, ओके। तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करिए। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और पॉजिटिव टर्मिनल से कैपेसिटर की ये पहली प्लेट कनेक्ट है। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल से कैपेसिटर की ये दूसरी प्लेट कनेक्ट है। अब होगा क्या, ये जो पॉजिटिव प्लेट है इस पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस डिपॉजिट हैं, वो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल होते होते देखो ये पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे से रिपेल होते होते ये कंडक्टर पाथ से आएंगे और ऐसा आकर यहां सब के सब यहां तक आ जाएंगे और सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज आकर यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे। अब ये आगे क्यों नहीं जाएंगे, बड़ा सिंपल है, यहां पर एयर है एंड एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ चार्जेस या गुड इंसुलेटर ऑफ चार्जेस, अर्थात जो एयर होती है वो चार्ज को अपने अंदर से फ्लो होकर जाने नहीं देती, तो उसके बाद चार्ज आगे चल के नहीं जा सकता। तो पॉजिटिव टर्मिनल से बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज ऐसे निकलेगा, एक दूसरे को रिपेल करता हुआ दौड़ेगा और दौड़ करके आके प्लेट पर यहां पर आकर डिपॉजिट हो जाएगा इस सरफेस पर। हालांकि वो आगे तक चला जाता, अगर हम कनेक्शन देते तो और आगे चला जाता, बट देयर इज नो कनेक्शन, देयर इज नो कंडक्टर, देन इट विल स्टे एट दिस साइड ऑफ फर्स्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर और यहीं पर वो जमा हो जाएगा। कब तक, पॉजिटिव टर्मिनल से कब तक चार्ज रिपेल होते होते प्लेट तक आता रहेगा? आंसर है तब तक आता रहेगा जब तक इस पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल और इस प्लेट का पोटेंशियल आपस में इक्वल नहीं हो जाते, आपस में इक्वल नहीं हो जाते। ये हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं कि एक जगह से दूसरी जगह तक अगर पानी बह के जाता है तो कब तक जाता है, जब तक दोनों में पानी की मात्रा बराबर नहीं हो जाती या जब तक कि दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाता। आंसर है जब तक कि दोनों जगहों का लेवल बराबर नहीं हो जाता तब तक पानी बहता रहता है। सिमिलरली चार्ज यहां से यहां फ्लो होके जाएगा और तब तक जाता रहेगा जब तक इस टर्मिनल का पोटेंशियल और इस प्लेट का पोटेंशियल आपस में इक्वल नहीं हो जाता। जैसे ही बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कैपेसिटर की इस प्लेट के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, चार्ज का मूवमेंट बंद हो जाएगा, ओके ठीक। यहां ये कैपेसिटर की जो दूसरी प्लेट है इसे हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके रखा है, तो यहां पर बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस हैं। ये सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस भी आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये भी रिपेल होते होते कंडक्टर से कंडक्टर पाथ से आएंगे और इस प्लेट तक पहुंच, और इस प्लेट के आगे उनको रास्ता नहीं मिलेगा, एयर है इसलिए इस प्लेट के आगे वो जा नहीं पाएंगे, तो यहीं पर आकर खड़े हो जाएंगे, इससे आगे नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि इसके आगे एयर है एंड एयर इज अ वेरी गुड इंसुलेटर ऑफ चार्जेस, एयर will not allow the charges to move through it, air charges को अपने अंदर से चलने के लिए allow नहीं करेगी। फिर से वही चीज कि यहां से negative charges कब तक निकल के यहां तक आते रहेंगे, answer है तब तक यहां से negative charges निकल कर इस plate तक आते रहेंगे जब तक capacitor की इस plate का voltage potential बैटरी के इस नेगेटिव टर्मिनल के पोटेंशियल के इक्वल नहीं हो जाता। और एक बार कसम से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल और इस कैपेसिटर की इस प्लेट का पोटेंशियल इक्वल हो गया, इसके बाद यहां से नेगेटिव चार्जेस का आवागमन बंद हो जाएगा, इनका जो नेगेटिव चार्जेस का जो मूवमेंट होगा वो क्लोज हो जाएगा, ओके। इसका मतलब साफ है कि जो पोटेंशियल इस टर्मिनल का बैटरी के, वही पोटेंशियल कैपेसिटर की इस प्लेट का, जो पोटेंशियल बैटरी के इस नेगेटिव टर्मिनल का, वही पोटेंशियल प्लेट कैपेसिटर की इस नेगेटिव प्लेट का।
मतलब साफ है, क्लियर है कि जो पोटेंशियल इसके दोनों प्लेट्स के बीच का है, इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच का है, वही पोटेंशियल इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच का डेवलप हो जाएगा। ये तो बड़ा सिंपल हो गया ना, जितना पोटेंशियल इसका उतना इसका, जितना नेगेटिव टर्मिनल का उतना इसके नेगेटिव प्लेट का, इसलिए जो डिफरेंस यहां है वही पोटेंशियल डिफरेंस तो यहां पर आ जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन पर, अगर हमको चार्ज का कैलकुलेशन करना है, तो हमने तुरंत एक फॉर्मूला लगाया Q इज इक्वल टू CV, और हमें पता लग गया कि इस कैपेसिटर के पास कितना चार्ज स्टोर हुआ। अगर हमें एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है तो हमने एक फॉर्मूला लगाया हाफ CV स्क्वेयर। इस फॉर्मूले में C की जगह हमने इसका कैपेसिटेंस लिख दिया, V की जगह इसके दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया, कैलकुलेट करके एनर्जी निकाल ली। तो इस केस में तो चार्ज का कैलकुलेशन और एनर्जी का कैलकुलेशन दोनों बड़े इजी हो गए, क्योंकि हमारे पास एक ही वैल्यू कैपेसिटर की है और वोल्टेज है। ठीक है, अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम बेटा हमको उस वक्त होती है जब बाय चांस, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमने जो कनेक्शन की है, कैपेसिटर्स कनेक्ट किए हैं, उनमें एक कैपेसिटर हमने ऐसा लगा दिया है और एक कैपेसिटर हमने ये लगाया और उसके साथ एक कैपेसिटर हमने ये लगा दिया इस तरह से। ये ए है और ये बी है। ठीक है, पहले हमारे पास पॉइंट ए और बी थे, ए और बी के बीच केवल एक कैपेसिटर था। अब उन्हीं दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में हमने ये तीन कैपेसिटर्स लगाए हुए हैं। इसका कैपेसिटेंस सी वन है, इसका कैपेसिटेंस सी टू है और इसका कैपेसिटेंस सी थ्री है। फिर से हमने इन्हें बैटरी से कनेक्ट किया, यहां पर फिर से हमने बैटरी कनेक्ट की। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अब फिर से वही एक्शन चालू होगा, तो ये सारे जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस है, वो सब पॉजिटिव चार्जेस आपस में रिपेल होते होते कंडक्टर से होते होते कहां तक चले जाएंगे, यहां तक चले आएंगे, इधर भी तो आएंगे, इसमें यहां तक आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल के नेगेटिव चार्जेस रिपेल होते होते यहां तक आ जाएंगे, ऐसे ही नेगेटिव चार्जेस रिपेल होते होते यहां तक आ जाएंगे इस तरह से। अब आप ध्यान से देखिए, गौर से देखिएगा, अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है तो वही पोटेंशियल डिफरेंस इनमें से किस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच होगा? आंसर है पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल इससे कनेक्ट है, तो ये जो कैपेसिटर है इसके प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा। लेकिन अगर नीचे वाली लाइन पे हम देखते हैं, इस वाली लाइन पे, तो ये यहां से कनेक्ट है और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का यहां से कनेक्ट है। अब आप ध्यान से देखिएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे यहां पर दोनों प्लेट्स के बीच का आ गया था, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस इस प्लेट और इस प्लेट के बीच का आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस भी भाई पॉजिटिव टर्मिनल भैया यहां से कनेक्ट है ना, और नेगेटिव टर्मिनल यहां से कनेक्ट है, तो इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V के बराबर होगा। यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। लेकिन लेकिन अगर अब मैं आपसे पूछूं कि इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, या इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, तो आप नहीं बता सकते। समझ आ रहे? इस
कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो वी है, ठीक है, लेकिन इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आप देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस वी है वो तो यहां से लेकर और यहां तक का है, इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी है। इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच और इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बता सकते। अब ऐसी सिचुएशन पे अगर कोई मुझसे कहता है कि ये जो सर्किट आपने बनाया है एंड यू हैव कनेक्टेड मोर देन वन कैपेसिटर, सो प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ चार्ज स्टोर इन दिस सर्किट, व्हाट विल बी द एनर्जी स्टोर इन दिस सर्किट, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? क्यों? क्योंकि चार्ज, ये दोनों ही फॉर्मूले दिस फॉर्मूला आर एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल कैपेसिटर, और हमें तो इस सर्किट में चार्ज की कैलकुलेशन करनी है, इस सर्किट में हमें एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है। अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो, लेकिन सी की जगह पर क्या लिखेंगे? क्या हम सी की जगह C1 लिखें, C2 लिखें, C3 लिखें या और कुछ लिखें? तो आंसर है हम सी की जगह C1, C2, C3 इनमें से कुछ नहीं लिख सकते। ना तो हमें इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, ना तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है। इसका मालूम है तो इसका बहुत ज़्यादा आप कैलकुलेट कर लोगे, इनका क्या होगा? तो आप पूरे सर्किट में जो स्टोर हुआ चार्ज है, जो स्टोर हुई एनर्जी, आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन के लिए हम क्या करते हैं? हम कोशिश करते हैं। क्या कोशिश करते हैं? कोशिश ये करते हैं कि ये जो हमने तीन कैपेसिटर लगाए हैं, हम कोशिश ये करते हैं एक ऐसा कैपेसिटर सर्च करने की, एक ऐसा कैपेसिटर मालूम करने की जिस कैपेसिटर में उतनी ही एनर्जी स्टोर हो जो इन तीन में मिलकर होती है। अगर इन तीनों में मिलकर 100 जूल एनर्जी स्टोर होती है तो हम एक ऐसा कैपेसिटर लाना चाहते हैं जिस उस अकेले कैपेसिटर में 100 जूल स्टोर हो जाए। अगर इन तीन में मिलकर 10 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर होता है तो उस अकेले में 10 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर होना चाहिए। एक ऐसा कैपेसिटर मालूम करना चाहते हैं। बाय चांस मुझे एक ऐसा कैपेसिटर मिला और वो कैपेसिटर है CE, और उसे जब हमने A और B के बीच लगाया, A और B के बीच इसको लगा रहे थे, उसे जब हमने A और B के बीच लगाया और बैटरी लगाई, प्लस माइनस बैटरी लगाई, तो इस अकेले कैपेसिटर ने उतना ही चार्ज स्टोर किया जितना ये तीन मिलकर कर रहे थे। इस अकेले कैपेसिटर ने उतनी ही अपने अंदर एनर्जी स्टोर की जितना ये तीनों मिलकर कर रहे थे। अगर ऐसा एक कैपेसिटर हम ढूंढ लें, एक ऐसे कैपेसिटर की वैल्यू को हम मालूम कर लें, तो मैं आपको बताऊं कि वो जो कैपेसिटर होगा, उस कैपेसिटर को, दैट कैपेसिटर, उस कैपेसिटर को बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ठीक है। और उसका जो कैपेसिटेंस होगा, दैट कैपेसिटेंस जो होगा उसको हम बोला करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अगर हम ऐसा एक कैपेसिटर ढूंढ लेते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर का मतलब होता है तुल्य संधारित्र, उसे हम हिंदी में बोलेंगे, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब होगा तुल्य धारिता, ठीक। ये इसके मीनिंग होंगे।
तो ये थर्ड रीजन है जिसकी वजह से भी, और अगर इन तीनों का एक इक्विवेलेंट हम मालूम कर लेंगे तो यहां से हम एनर्जी और चार्ज के कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम ये समझ नहीं पा रहे थे कि इन फॉर्मूले में सी की जगह क्या लिखा जाए। लेकिन अगर हमने इन तीनों का एक इक्विवेलेंट निकाल लिया, एक तुल्य संधारित्र पता लगा लिया, फिर अब बड़ी आसानी से हम चार्ज और एनर्जी कैलकुलेट कर सकेंगे, क्योंकि अब हमारे पास कैपेसिटर की केवल एक वैल्यू है और ये दोनों के दोनों फॉर्मूले कैपेसिटर की केवल एक वैल्यू के लिए एप्लीकेबल है। अब हम कर सकते हैं। तो कैपेसिटर्स को आपस में कंबाइंड करने की जरूरत क्यों पड़ती है, इसके हमने तीन रीजन आपको बताए। एक रीजन हमने बताया कि जिस वैल्यू का कैपेसिटर हमको चाहिए, हमारे पास अगर वो नहीं है, उसके अलावा दूसरी वैल्यू के कैपेसिटर हैं, तो उस वजह से भी हमको कनेक्ट करना पड़ता है, कंबाइन करना पड़ता है। दूसरा रीजन हमने आपको बताया कि ये जो एक रीजन यहां पर आया कि जब हम चार्ज और एनर्जी के कैलकुलेशन करते हैं, उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमें केवल एक कैपेसिटेंस चाहिए, लेकिन अगर एक से ज्यादा आपने जोड़ रखा है तो आप चार्ज और एनर्जी की कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। तो कुछ ऐसा हमको करना चाहिए कि इन तीनों का जो रिजल्ट हो वो एक कैपेसिटर में हमको मिल जाए, अर्थात ये तीनों मिलकर जितना चार्ज स्टोर करते हैं एक अकेला कर ले, तीनों मिलकर जितना एनर्जी स्टोर करते हैं वो अकेला कर ले। तो एक अकेला कैपेसिटर अगर मिल जाएगा तो तीन से हम कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस एक से कैलकुलेशन हमारी बड़ी आसानी से हो जाएगी। और ऐसे सिचुएशन पे ये जो कैपेसिटर आएगा, इस कैपेसिटर का नाम क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटर, तुल्य संधारित्र, और उसकी जो धारिता होगी उसका नाम क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तुल्य धारिता उसको बोलेंगे, ठीक है। और ये रीजन थे। अब एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा, हाँ, इसे क्या बोला जाएगा, ये जो एक दो तीन कैपेसिटर ऐसे लगे हुए हैं, इसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। क्यों? क्योंकि यहां एक से ज्यादा कैपेसिटर कनेक्ट हैं। हिंदी में हम बोलेंगे संधारित्रों के संयोग। संधारित्रों के संयोग इसे हिंदी में बोला जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। एंड आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया है कि कैपेसिटर्स को आखिरकार हम कंबाइंड करते ही क्यों हैं। अब अगर सभी बच्चों को ये समझ में आ गया तो अब हम चलते हैं कि कैपेसिटर को कंबाइंड किया जाए। तो मैं आपको बताऊं, कैपेसिटर को हम दो या तीन तरीके से कंबाइंड कर सकते हैं। इससे अगर कोई पूछे कि आप कैपेसिटर्स को कितने तरह से कंबाइंड कर सकते हैं, आंसर है हम कैपेसिटर्स को दो या तीन तरीके से कंबाइंड कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे दो या तीन तरीके से, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि दो या तीन तरीके से, तो आंसर है मेनली तो हम दो तरह से ही कंबाइंड करते हैं। एक तीसरा तरीका वो होता है कि अगर पहले वाले दोनों तरीकों को एक साथ कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो वो तीसरा तरीका भी मिल जाता है। जैसे हम संधारित्रों को मुख्य रूप से दो तरह से संयोग कर सकते हैं। संधारित्रों के मुख्य दो कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक। कौन सा? एक होता है संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम में कंबाइंड करते हैं, श्रेणी क्रम संयोग, अंग्रेजी में हम उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं समांतर संयोग। समांतर संयोग जिसे आप अंग्रेजी में कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन।
ओके। तो मुख्य रूप से ये दो संयोग संधारित्र के होते हैं। तीसरा संयोग भी हम कर सकते हैं, अगर एक साथ एक ही सर्किट में कुछ संधारित्र हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें, कुछ समांतर क्रम में जोड़ दें, तो वो इन दोनों का मिक्सअप हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग, उसकी करते हैं फिर हम मिश्रित क्रम कह सकते हैं तीसरे को। आप फिलहाल अगर ये दो आपको समझ में आ गए तो तीसरे के लिए कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। मिश्रित संयोग, जिसे हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। ओके, सो दीज आर द थ्री, मेनली देयर आर टू टाइप्स ओनली, कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो अब हम एक एक करके इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोग। तो आप एक काम करिए, इसको प्लीज आप पहले नोट कर लें, इसके बाद हम आते हैं श्रेणी क्रम संयोग क्या होता है, ठीक है, और कैसे करते हैं उसको, और उसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको। तो जल्दी से आप नोट कर लें इसे। सबसे पहला लेते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स का, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोग। श्रेणी क्रम संयोग में कैसे कनेक्ट किए जाएंगे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक चीज उससे भी पहले मैं और आपको बता दूं, कॉम्बिनेशन जो बनेगा, जैसे अभी मैंने बताया कि अगर कहीं पर भी एक से ज्यादा कैपेसिटर कम जुड़े होंगे तो उस पूरे को हम बोला करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। एक बात और आप अपने मन में बना लीजिए, कॉम्बिनेशन हमेशा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किया जाता है। कॉम्बिनेशन हमेशा ही किन्हीं दो बिंदुओं के बीच ही होगा। जैसे अभी हम ए और बी दो बिंदु ले रहे थे, उन्हीं के बीच हम कॉम्बिनेशन करते थे। तो कॉम्बिनेशन के लिए आप हमेशा एक चीज ध्यान रखें कि दो बिंदुओं के बीच का ही कॉम्बिनेशन होगा। ओके, अब सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स का करते हैं। उस पर मैंने एक बिंदु यहां ले लिया ए, और एक बिंदु हमने यहां ले लिया बी। इन दोनों के बीच हम कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखिए, एक कैपेसिटर मैंने यहां लगाया इस तरह से, दूसरा कैपेसिटर हमने लगाया इस तरह से, फिर तीसरा कैपेसिटर हमने यहां लगा दिया इस तरह से, और ये पॉइंट बी इधर की तरफ आ गया। तो हमने जो कॉम्बिनेशन किया है वो कॉम्बिनेशन दो बिंदुओं के बीच में किया है। देखो, बिंदु ए और बी के बीच में ही तीन कैपेसिटर्स हमने लगाए हुए हैं, और ये तीनों कैपेसिटर्स श्रेणी क्रम में हैं। मान लिया इस कैपेसिटर की धारिता C1, दूसरे की धारिता C2, और तीसरे की धारिता कितनी है C3। ये हमने मान लिया कि तीन कैपेसिटर हैं और तीनों की अपनी अपनी अपना अपना कैपेसिटेंस है। फर्स्ट वाले का कैपेसिटेंस C1, दूसरे वाले का C2, और तीसरे वाले का कैपेसिटेंस है C3, ऐसे। और ये इनका सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है सीरीज कॉम्बिनेशन आपको पहचानना, कि जब भी आप कभी फिगर देखें आपको पता लग जाना चाहिए दैट कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो कैसे पता लगाएंगे, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखो, ये कंडक्टर है, फिर ये कैपेसिटर की पहली प्लेट, उसी कैपेसिटर की ये दूसरी प्लेट है, फिर ये कंडक्टर अगली कैपेसिटर की पहली प्लेट, फिर इस कैपेसिटर की दूसरी प्लेट ये है, फिर कंडक्टर अगले कैपेसिटर की पहली प्लेट ये आ गई, और इसी कैपेसिटर की दूसरी प्लेट ये है, और फिर पॉइंट बी आ गया। आपको नहीं लगता कि इस कैपेसिटर की जो दूसरी प्लेट है, बेटा ये प्लेट वन है, ये टू, ये इसकी प्लेट वन है, ये इसकी टू, ये इस कैपेसिटर की प्लेट वन है, ये इस कैपेसिटर की प्लेट टू है। आपको नहीं लगता कि हर कैपेसिटर की जो दूसरी प्लेट है वो अगले कैपेसिटर की पहली प्लेट से जुड़ती है? देखो, इस कैपेसिटर की दूसरी प्लेट इस कैपेसिटर की पहली प्लेट से कनेक्ट है,
तार से जोड़ी गई है ना, ओके। फिर इस कैपेसिटर की दूसरी प्लेट इस कैपेसिटर की पहली प्लेट से जुड़ी है। ये वाला जो कॉम्बिनेशन होगा जिसमें प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट उसके अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ी जाती है, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। आई होप कि ये चीज अब आपको समझ में आई, तो हम इसको एक लाइन में नोट कर लेते हैं। ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, क्या लिखेंगे? संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट उससे अगले संधारित्र की संधारित्रों की श्रेणी क्रम संयोजन है प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट उससे अगले संधारित्र की उससे अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी होती है। ये श्रेणी क्रम संयोजन होता है, ठीक है। आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। आप चाहें तो श्रेणी क्रम संयोजन को एक तरीके से और समझ सकते हैं, वो भी बड़ा अच्छा मेथड है। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि आप ए पर खड़े हो जाइए और ए पर खड़े होने के बाद आप ए से चलते चलते बी तक जाइए, अगर मैं आपसे ये बोलूंगा तो आप ऐसा चलना स्टार्ट करेंगे। जब ऐसा चलना स्टार्ट करेंगे और आपको कहां तक जाना है, आपको बी तक जाना है, उसके लिए ये मुझे बताइए आपको कितने कैपेसिटर पार करने पड़ेंगे। C1, C2 और C3 में से कौन सा पार करना पड़ेगा और कौन सा पार नहीं करना पड़ेगा? तो आंसर है वी विल हैव टू पास ऑल द कैपेसिटर्स। हमको ए से बी तक जाने के लिए सारे कैपेसिटर्स को पार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक कैपेसिटर को छोड़कर बी तक पहुंच जाएंगे। देखो, यहां से चलेंगे, कैपेसिटर C1 पार हुआ, C2 पार हुआ, C3 पार हुआ और तब जाके बी पर पहुंचे। आप ये नहीं कर सकते कि किसी एक कैपेसिटर को छोड़ते हुए आप बी तक पहुंच जाएंगे, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह हुआ कि जिन दो बिंदुओं के बीच संधारित्रों का संयोग किया गया है उनमें से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाते समय हमें प्रत्येक संधारित्र को पार करना ही पड़ेगा। किसी भी एक संधारित्र को अगर आप छोड़ देंगे तो आप बी पर नहीं पहुंच पाएंगे। बात समझ आ रही है आपको? तो हम चाहें तो यह भी एक तरीका नोट कर सकते हैं। सीरीज को समझने का क्या तरीका है कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोग जिन दो बिंदुओं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन जिन दो बिंदुओं के बीच संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन जिन दो बिंदुओं के बीच किया जाता है
उन बिंदुओं में से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किसी को भी सभी संधारित्रों में से होकर अवश्य गुजरना पड़ेगा। यह भी श्रेणीक्रम संयोग की खास बात है कि संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन जिन दो बिंदुओं के बीच किया जाता है उन बिंदुओं में से अगर आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना चाहते हैं तो कोई भी किसी भी इंसान को सभी संधारित्रों में से होकर अवश्य गुजरना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं और आपको देता हूं, जैसे कि यहां आपने देखा कि ए से बी तक जाने के लिए आपको कोई कैपेसिटर छोड़ नहीं सकते, सबको पार करना पड़ेगा। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं एक कॉम्बिनेशन यहां आपको करके दिखाता हूं। ये एक फिगर देखिए बेटा, इस फिगर में एक कैपेसिटर ये है C1 कैपेसिटी, एक कैपेसिटर ये है C2 कैपेसिटी का, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन दो बिंदुओं के बीच किया गया है, A और B बिंदु के बीच। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि A से B तक जाइए, अगर मैं आपसे बोलूंगा कि A से B तक जाइए तो आपके पास A से B तक जाने के दो रास्ते हैं, या तो आप यहां से ऐसा आएंगे, ऐसा चले जाएंगे और इस कैपेसिटर को पार करके आप बी तक पहुंच जाएंगे। अब आप खुद सोच समझ कर बताइए, क्या ए से बी तक जाने में आपको दोनों कैपेसिटर पार करने पड़े? आंसर इज नो। हमने केवल इस रास्ते से आए, केवल ये वाला कैपेसिटर हमने पार किया और हम बी तक पहुंच गए, हमें ये वाला कैपेसिटर पार नहीं करना पड़ा। अगर आपको ये कैपेसिटर पार नहीं करना पड़ा तो संधारित्रों का ये श्रेणी संयोजन नहीं हो सकता। संधारित्रों के श्रेणी संयोजन में हमने क्या लिखा है आप खुद देखे ना, किसी को भी सभी संधारित्रों में से होकर अवश्य गुजरना पड़ेगा, और आप तो ए से बी तक जाते समय केवल इस एक से जाते हो, दूसरे से गुजरना ही नहीं पड़ता आपको, और आप ए से बी तक पहुंच जाते हो। ऐसे ही अगर हम यहां से ऐसे आके नीचे वाले रास्ते से आ जाएं तो यहां से ऐसा आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, इसको पार करेंगे और बी तक पहुंच जाएंगे। अब बताइए, इस रास्ते से जाते वक्त आप बी पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे? आंसर है हम तो पहुंच गए। कितने कैपेसिटर्स पार करने पड़े? केवल एक कैपेसिटर, ये वाला, ये तो पार नहीं करना पड़ा। क्या जरूरत है जबरदस्ती इसको पार करने की? ए से बी तक जाना है, हम इस रास्ते से भी पहुंच सकते हैं, हम इस रास्ते से भी पहुंच सकते हैं। सो वी नीड नॉट गो थ्रू बोथ द कैपेसिटर्स, दोनों संधारित्रों से गुजरने की आवश्यकता नहीं है हमको। और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि सभी संधारित्रों से होकर अवश्य गुजरना पड़ेगा, और इसमें तो हम सभी से नहीं गुजर रहे हैं, इसका मतलब है कि यह सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। अब तो फिर ये कैसा कॉम्बिनेशन है? आंसर है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ओके, और इसी में मैं एक चीज आपको करके दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। पूरा यही फिगर मैं बनाऊंगा, एक कैपेसिटर यहां लगा दिया हमने, एक कैपेसिटर हमने यहां लगा दिया, दिस इज C1, दिस इज C2, और ये जो A और B हमने यहां बनाए थे,
ए हमने यहाँ बना दिया और बी हमने यहाँ बना दिया। देखो सेम वही फिगर है, इधर ए और इधर बी के बजाय हमने इधर ए और इधर ही बी बना दिया। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि चलिए ए से बी तक जाइए, अब आप क्या करेंगे? ए से चलना स्टार्ट किया आपने, ऐसे गए कंडक्टर पाथ, कंडक्टर पाथ, कैपेसिटर C1 मिला हमको, हमने पार किया, फिर कंडक्टर पाथ, कंडक्टर पाथ, कंडक्टर पाथ, फिर कैपेसिटर मिला, हमने पार किया, कंडक्टर पाथ, कंडक्टर पाथ, और कहां पर आ गए? बी तक। अब आप मुझे बताएं ए से बी तक आप पहुंचे, आपको कितने कैपेसिटर्स पार करने पड़े? आंसर है दोनों पार करने पड़े। और अगर दोनों पार करने पड़े, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आपने एक कैपेसिटर पार किया और दूसरे को पार नहीं किया, बी पर पहुंच गए, ऐसा तो नहीं हुआ ना? अगर आपको दोनों कैपेसिटर पार करने पड़े, इसलिए ये कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, आई होप कि अब ये दोनों मतलब आपको समझ आ रहे हैं। फिर से सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने कैपेसिटर लगे होंगे, अगर आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएंगे, जिन दो बिंदुओं के बीच कॉम्बिनेशन बनाया गया है उनमें से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर आप जाएंगे तो आपको हर कैपेसिटर को पार करना ही पड़ेगा, उसके बगैर आप एक बिंदु से दूसरे पॉइंट तक पहुंच नहीं सकते। पर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको एक बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने के लिए सारे संधारित्र पार करने पड़ेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, जबकि सेम एक जैसा फिगर हमने बनाया, केवल थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया बस। तो आई होप कि सीरीज और पैरेलल अब आपको समझ आ गया। अब हम इसको हटा देते हैं यहां से, ठीक है? आप अच्छे से समझ लीजिए, नोट करते जाइएगा इसे, आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं इसे। अब फिर से आ जाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये तो हमने लिख दिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता कैसा है। अब हम इसको पॉइंट ए और बी दोनों पॉइंट्स को हम एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, दोनों पॉइंट्स को हम एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। यहां पर हमने एक बैटरी लगा दी, देखिए ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और हमने मान लिया द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी इज कैपिटल वी। बैटरी का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैपिटल वी मान लिया। अब क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें। कि कैसे यहां पर कनेक्शन देने से क्या होता है, क्या प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, इसको देखना है। अब हम क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन समझ चुके हैं, तो हम ये जो हमारा फिगर होगा ना, इसमें तीन चीजों के बारे में बेटा हम स्टडी करेंगे। एक हम चार्ज का रूल देखेंगे, ये चार्ज का क्या होता है, एक हम पोटेंशियल का रूल देखेंगे और एक कैपेसिटेंस का रूल देखेंगे। तीनों रूल्स हमको इसमें एक साथ स्टडी करने हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले होगा ये कि जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करेंगे, यहां से बहुत सारे चार्जेस एकदम से निकलेंगे। मैंने मान लिया कि यहां से चार्जेस चले, क्यों चार्जेस आए, यहां पर क्यों चार्जेस आ गए, ओके? अच्छा, अब क्यों चार्जेस जब यहां पर आएंगे तो ये यहां जाते जाते कहां तक चले जाएंगे? आंसर है जहां तक इनको कंडक्टर पाथ मिलेगा वहां तक ये चले जाएंगे। तो यहां से चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हुए ऐसे भागे, और भाग करके ये सारे के सारे चार्जेस यहां खड़े हो गए। इसके आगे क्यों नहीं गए, यू नो कि इसके आगे एयर है और एयर में से चार्ज चलता नहीं है, तो इसके आगे चार्ज नहीं गया, ठीक। और कब तक यहां से यहां पर चार्ज जाता रहेगा? आंसर है तब तक यहां से यहां पर चार्ज जाता रहेगा जब तक बैटरी की इस पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कैपेसिटर की इस पहली प्लेट की पोटेंशियल के इक्वल नहीं हो जाता। जैसे ही दोनों को पोटेंशियल इक्वल होंगे, चार्ज का मूवमेंट बंद हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर सारे प्लस चार्ज खड़े हैं, इसके सामने ये एक प्लेट मिल रही है, और ये प्लेट ध्यान से देखिए इसके कनेक्शन कहां कहां है,
ये जो प्लेट है इसका कनेक्शन, ये प्लेट है, ये कंडक्टर पाथ है, ये एक और प्लेट है, ये एक बड़ा एच दिख रहा है ना आपको, ये सब एक बॉडी है। क्यों? क्योंकि ये वैसे तो दो अलग अलग प्लेट्स हैं, ये पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट है और ये दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट है, लेकिन क्योंकि ये कंडक्टर द्वारा जोड़ दिए गए हैं तो ये पूरी एक पिंड बन गया है, एक एलिमेंट बन गया है, एक बॉडी बन गई है वो। अब अगर एक बॉडी बन गई है तो ये प्लस चार्जेस क्या करते हैं इस पूरी बॉडी में से? अभी इस पूरी बॉडी का नेट चार्ज कितना है? जीरो। इसके पास जितने पॉजिटिव हैं उतने ही इसके पास नेगेटिव चार्जेस हैं। तो ये प्लस क्या करते हैं, इस पूरी बॉडी में से जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं उनको अपनी ओर खींचता है, क्योंकि इसका प्लस है। और क्यों खींचता है? प्रेरण के कारण, ड्यू टू इंडक्शन। और सारे माइनस खींच करके वो यहां पर बुला लेता है, क्योंकि ये प्लस है तो इस पूरी एक बॉडी में जितने माइनस हैं सबको खींचकर अपनी तरफ ऐसा बुला लेता है, और वो माइनस खींच करके यहां तक पहुंच जाते हैं, इसके आगे नहीं जा पाते क्योंकि इसके आगे एयर है। दूसरी चीज, ये पूरी क्योंकि एक बॉडी थी तो इसके माइनस तो खींच के यहां पर आ गए, लेकिन इस बॉडी के जो प्लस रहेंगे वो क्या होंगे, उनको ये प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो जितने प्लस होंगे वो सब कंडक्टर से सब भागेंगे और भाग करके यहां खड़े हो जाएंगे जा करके, ठीक है। ये क्यू पॉजिटिव चार्ज था तो क्यू नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, जैसे फोर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये फोर नेगेटिव चार्जेस खींच लेंगे और फोर पॉजिटिव चार्जेस को ऐसा रिपेल करके दूर पहुंचा देंगे। ये चार्जेस अनंत पर जाना चाहते थे लेकिन इसके बाद एयर आई, जाने का कोई रास्ता नहीं मिला तो ये सब यहां खड़े हो गए बस। अब आप एक चीज मुझे बताइए, ये जो बड़ा सा एच आप देख रहे हैं ये पूरी एक बॉडी बन गई है, इसका पहले नेट चार्ज कितना था? तो आंसर है इसका पहले नेट चार्ज था जीरो। क्यों? क्योंकि जितने इसके पास प्लस थे उतने ही इसके पास माइनस थे, इसने फोर चार्जेस माइनस खींच लिए और फोर प्लस रिपेल कर दिया। अब बताइए अब इसका नेट चार्ज कैसा हो गया, क्या अब इसका नेट चार्ज प्लस हो गया, माइनस हो गया, या अभी भी इसका नेट चार्ज जीरो है? तो आंसर है अभी भी इसका नेट चार्ज जीरो है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने माइनस हैं उतने ही प्लस हैं, बस किया ये गया है कि चार्जेस का पोलराइजेशन कर दिया गया है, माइनस प्लस चार्जेस को अलग अलग कर दिया गया है और कुछ यहां पर नया एक्शन नहीं हुआ है, बस पोलराइजेशन हो गया है चार्जेस का, ठीक है। तो अभी भी इस बड़े से एच का नेट चार्ज जीरो है, ठीक है। अब यहां पर जब प्लस चार्ज आए कितने आए, 4 प्लस थे, 4 माइनस खींचे गए, 4 प्लस रिपेल किए गए, तो यहां पर भी 4 आ गए। कहने का मतलब अगर किस पे क्यू चार्ज आया है तो इस पर भी क्यू चार्ज ही आ गया है और इस पर माइनस क्यू चार्ज आ गया है। जितना ये प्लस होगा उतने माइनस खींचेगा और उतने ही प्लस को रिपेल करेगा, बस। अब यहां पर प्लस आ गया, फिर से आगे देखिए, फिर से आपको देखने को मिलेगा ये एक फिर बड़ा सा एच दिख रहा होगा आपको, हालांकि ये दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट है और ये तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये कंडक्टर से कनेक्टेड है इसलिए इस वक्त ये पूरा एक बॉडी बन गई है। अगर ये पूरा एक बॉडी बन गई है तो क्या होगा, अभी इसका नेट चार्ज कैसा है, जीरो। ये प्लस इस पूरी नेट बॉडी, नेट चार्ज जिसका जीरो है, इस बॉडी से नेगेटिव चार्ज अपनी ओर खींच लेते हैं ड्यू टू इंडक्शन, प्रेरण की वजह से, और उतने ही प्लस चार्ज को रिपेल कर देते हैं। तो वो प्लस चार्ज रिपेल होते होते यहां पर आ जाते हैं, तो इस प्लस क्यू ने माइनस क्यू खींचे और माइनस क्यू को रिपेल करके यहां भेज दिया। अब ये आगे क्यों नहीं गए, क्योंकि एयर थे। फिर इन प्लस क्यू ने क्या किया, ये अब फिर से देखो ये आगे की प्लेट है, प्लेट है और उसके साथ ये कंडक्टर। ये प्लस क्यू क्या करेगा, माइनस क्यू को यहां से खींचेगा प्रेरण की वजह से, तो माइनस क्यू इसके पास आ जाएगा। माइनस क्यू खींचेगा, ध्यान से सुनना, इस प्लस ने
इस प्लेट और इस कंडक्टर बैटरी टर्मिनल से जितना ये प्लस था उतने माइनस इसने यहाँ से खींच लिए, तो ये माइनस तो खड़े ही हो गए यहाँ पर आके, और उतने ही प्लस को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर चार माइनस इसने खींचे हैं तो चार प्लस को ये रिपेल करेगा। अब वो चार प्लस कहाँ है, वो जब रिपेल करेगा तो इस कंडक्टर से रिपेल होते 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 ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर कर जाएंगे। और कौन यहां से रिपेल होते होते बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और वो तो जाना भी चाहता था, पॉजिटिव चार्ज वैसे भी नेगेटिव के पास जाना ही चाहता है, तो चला गया वो। ये एक्शन होता है जब आप इस कॉम्बिनेशन को बैटरी से कनेक्ट करोगे। अब जो एक्शन आपने सीखा है, बातों बातों में इसको समझा है, उसमें चार्ज के बारे में आपको क्या जानकारी हासिल हुई, तो आंसर चार्ज के बारे में हमको ये जानकारी हासिल हुई कि यहां से हमने कितना चार्ज इसको दिया, क्यों, तो इस संधारित्र के पास कितना चार्ज आ गया, इसके पास कितना आ गया और इसके पास कितना आ गया, हमने टोटल दिया कितना, आंसर है क्यों। इस कैपेसिटर के पास कितना चार्ज आया, तो किसी भी कैपेसिटर के पास कितना चार्ज होता है पहले आप ये बता सकते हैं मुझे, तो आंसर है किसी भी कैपेसिटर के पास उसकी एक प्लेट में जितना चार्ज होता है उसी को हम कैपेसिटर का चार्ज बोलते हैं। तो इस कैपेसिटर की एक प्लेट पर कितना चार्ज है, क्यों, इसलिए इस कैपेसिटर को कितना चार्ज मिला, क्यों। इसकी दो प्लेट्स हैं, आप ध्यान रखें प्लस क्यू और माइनस क्यू जोड़ करके जीरो चार्ज है इसके पास, ये नहीं बोलेंगे आप। क्यू और क्यू मिला के टू क्यू चार्ज है, ये भी आप नहीं बोलेंगे। आपको कैपेसिटर की केवल एक प्लेट पर जितना चार्ज है वही चार्ज कैपेसिटर का चार्ज माना जाता है, पहले भी आपको बताया गया है। इसलिए इस कैपेसिटर को कितना चार्ज मिला, आंसर है क्यू। इस कैपेसिटर को कितना चार्ज मिला, आंसर है क्यू। इस कैपेसिटर को कितना चार्ज मिला, आंसर है क्यू। इसका मतलब है कि बैटरी से हमने जितना चार्ज दिया वही चार्ज सभी कैपेसिटर्स को मिल गया। बात समझ रहे हैं, ये माइनस हमने दिया नहीं, हमने सिर्फ ये प्लस चार्ज क्यू दिया, इसलिए इसके पास भी क्यू चार्ज है, इसके पास भी क्यू चार्ज है और इसके पास भी क्यू चार्ज है। माइनस क्यू चार्ज हमने नहीं दिया है, माइनस क्यू चार्ज इंडक्शन से प्रेरित हुआ है, वो हमने प्रोवाइड नहीं किया उसको। इसलिए प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा उतनी ही होगी जितना चार्ज आपने दिया हुआ है, ठीक है। तो चार्ज के लिए हमारे पास जो रूल है उसको हम नोट कर लेते हैं। चार्ज का क्या रूल बना कि माना बैटरी से क्यू चार्ज दिया जाता है, माना बैटरी के द्वारा क्यू चार्ज परिपथ में दिया जाता है, तो सभी संधारित्रों को मिलने वाला आवेश भी क्यू होगा। माना बैटरी से प्लस क्यू आवेश परिपथ को दिया जाता है तो सभी संधारित्रों में एकत्र आवेश की मात्रा भी सभी संधारित्रों में, तो प्रत्येक संधारित्र में आप ऐसे लिख सकते हैं, तो प्रत्येक संधारित्र में एकत्र आवेश की मात्रा भी क्यों होगी, ठीक है। ये एक चीज आपको याद रखना है, मतलब कहने का संधारित्रों का जो श्रेणी क्रम संयोजन होगा उसमें बैटरी जितना चार्ज देगी वही चार्ज पहले कैपेसिटर को मिलेगा, वही दूसरे को मिलेगा और वही तीसरे को मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता
कि पहले को कम मिले, दूसरे को थोड़ा ज्यादा मिले, तीसरे को ज्यादा मिले, ऐसा नहीं हो सकता। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। वही लिखा कि बैनर बैटरी से प्लस क्यू आवेश परिपथ को दिया जाता है, तो प्रत्येक संधारित्र में एकत्र आवेश की मात्रा भी क्यू होगी। ठीक है, सभी संधारित्रों पर आवेश की मात्रा समान होगी, अर्थात सभी संधारित्रों में, अर्थात सभी संधारित्रों में आवेश की मात्रा, सभी संधारित्रों में आवेश की मात्रा समान होगी। ये हमने चार्ज का रूल बना लिया। अब पोटेंशियल का क्या रूल बनेगा? पोटेंशियल के बारे में जरा सोचिए। यहां पर हमने जो बैटरी लगाई है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। क्लियर? ओके। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल इस प्लेट से जुड़ा है या बिंदु A से जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव टर्मिनल बिंदु B से जुड़ा हुआ है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल बिंदु A से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल बिंदु B से जुड़ा हुआ है, इसलिए बिंदु A और बिंदु B के बीच का विभवांतर कितना होगा? जितना बैटरी का है उतना बिंदु A और B के बीच का होगा, अर्थात पूरा यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर होगा। देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर V होगा, ना इसके भी प्लेटों के बीच का विभवांतर V के बराबर होगा, ऐसा नहीं है। इसकी भी प्लेटों के बीच का विभवांतर V के बराबर होगा, ऐसा नहीं है। जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस बिंदु A और बिंदु B के बीच होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस बिंदु A और बिंदु B के बीच होगा। अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी है तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस 12 होगा। हर कैपेसिटर का 12 होगा ऐसा नहीं है। इधर से और उस यहां तक का पोटेंशियल 12 वोल्ट का होगा या V वोल्ट का होगा, जितने की बैटरी आपने कनेक्ट की है। तो इनके सिरों के पोटेंशियल क्या होंगे? आंसर है, इनके सिरों के बीच जो पोटेंशियल होगा उस V पोटेंशियल के कुछ टुकड़े होंगे। जैसे अगर इसके सिरों के बीच का पोटेंशियल V1 है, इसके सिरों के बीच का पोटेंशियल V2 है और इसकी दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल V3 है, तो V1, V2 और V3 इन तीनों का जोड़ A और B के पोटेंशियल के बराबर आएगा। जैसे इसके सिरों के बीच का पोटेंशियल V1 है, इसकी दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल V2 है और इसकी दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल V3 है, लेकिन A और B के बीच का पोटेंशियल टोटल कितना है? A और B के बीच का टोटल पोटेंशियल जो है वो V के इक्वल है। तो जो V की वैल्यू होगी वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल आएगी। इसका मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा है? अगर ये 12 वोल्ट है तो उसमें उस 12 में से उस 12 का थोड़ा टुकड़ा यहां आएगा, थोड़ा इसके प्लेट के बीच में आएगा, थोड़ा इसकी प्लेट के बीच में आएगा और तीनों का जोड़ 12 के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब है श्रेणी संयोजन में पोटेंशियल बट जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्ज तो सबको सेम मिल गया वही, लेकिन पोटेंशियल क्या हो गया? बट गया। सबको सेम नहीं मिला, सबको सेम नहीं मिला, इसका मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आप देखिए ना, जो पूरा 12 वोल्ट ए और बी के बीच में था वो 12 वोल्ट में थोड़ा इसको, थोड़ा इसको, थोड़ा इसको मिला और मिला के टोटल 12 हो गया, तो पोटेंशियल तो बट गया ना। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो हमारे पास एक और तरीका है बेटा, आप याद करिए वी का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, W/Q0। आपको याद होगा पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है? तो आंसर है, पोटेंशियल जो होता है वो बेसिकली वर्क डन होता है, किया गया कार्य होता है। ठीक है, पोटेंशियल बेसिकली किया गया कार्य होता है, वर्क डन होता है। अब आप ध्यान से देखिए, या हम यूं कह सकते हैं कि पोटेंशियल बेसिकली एनर्जी होती है, वर्क डन ही तो एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो पोटेंशियल बेसिकली वर्क डन होता है या पोटेंशियल बेसिकली एनर्जी होती है,
अब ध्यान से देखिए, बाय चांस इसके पास टोटल एनर्जी है 12 जूल। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल का बेसिक मीनिंग क्या होता है? वर्क डन। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली फोर्स, पोटेंशियल इज बेसिकली व्हाट? पोटेंशियल इज बेसिकली एनर्जी, पोटेंशियल इज बेसिकली वर्क डन। इसलिए आप पोटेंशियल को एनर्जी मानकर समझ लीजिए। हमने मान लिया कि इसके पास टोटल एनर्जी है 12 जूल। अब इतनी एनर्जी से इसने यहां से चार्जेस को धक्का देना स्टार्ट किया। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 12 जूल एनर्जी से यह चार्जेस को पुश करना शुरू करेगी, धक्का देना स्टार्ट किया और वो चार्जेस को यहां भरते जाएगी। 12 जूल में से जब इसमें चार्ज भरेगी तो 12 जूल का थोड़ा हिस्सा यहां लग गया, बाय चांस इसको भरने में 5 जूल एनर्जी लग गई, इसको भरने में 4 जूल एनर्जी लग गई, इसको भरने में 3 जूल एनर्जी लग गई। टोटल कितनी एनर्जी लगी? तो 5, 4, 9 और 3, 12 जूल। वही आ गया कि नहीं आ गया? या आप ऐसे समझ सकते हो, आप जब घर से निकले तो कितनी एनर्जी लेके निकले? 12 जूल। आप 12 जूल पहुंचे, पहले एक जगह पर आपने थोड़ा सा वर्क किया, वहां पर आपकी 5 जूल एनर्जी खर्च हो गई, फिर आप आगे बढ़ गए बाकी 7 जूल लेकर के। जब 7 जूल लेकर आगे चले, इस जगह पर जाकर के आपको 4 जूल फिर वर्क करना पड़ा। अब आपके पास कितनी बची? 7 में से 4 और खर्च हो गए, अब आपके पास 3 जूल बचे। 3 जूल और आगे गए, यहां खर्च करना पड़ा, और 3 जूल खर्च करने के बाद आप फिर अपने घर आ गए। तो क्या हो रहा है एनर्जी का? हम जितनी एनर्जी चार्ज को यहां से देके भेजते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि 12 जूल एनर्जी लेके आप जाएं, घर से निकलें, एक जगह पर आपने काम किया, पूरी 12 वहीं खर्च कर दी, अब आप आगे गए फिर 12 वहीं खर्च कर देंगे? क्या ऐसा हो सकता है? आप ले ही के 12 चले हैं जब, तो हर जगह 12 जूल नहीं खर्च कर सकते। अगर हर जगह 12 12 12 खर्च करना है तो आपको लेके कितना चलना पड़ेगा? 36 जूल आपको लेके चलना पड़ेगा। इसलिए आप अगर 12 जूल लेके चले हैं तो उसका कुछ यहाँ खर्च होगा, कुछ यहाँ खर्च होगा, कुछ यहाँ। इसका मतलब है कि पोटेंशियल का क्या हो जाएगा? पोटेंशियल बट जाएगा, ठीक है? तो अगर वी पोटेंशियल है, V1 इसके क्रॉस है, V2 इसके क्रॉस है, V3 इसके क्रॉस है, तो V1, V2 और V3 तीनों का जो जोड़ होगा वो V के बराबर आना चाहिए। तो पोटेंशियल का रूल हमने क्या समझ पाए? पोटेंशियल के रूल में हम समझ पाए कि सभी संधारित्रों में जो पोटेंशियल होता है, जो विभव होता है, वो बट जाता है। सभी संधारित्रों में बैटरी का कुल विभव, सभी संधारित्रों में बैटरी का कुल विभव V वितरित अर्थात डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देखो, चार्ज सबको वही मिला, अगर पहले को Q मिला तो दूसरे को भी Q मिला, तीसरे को भी Q मिला, लेकिन सब बैटरी इसमें विभव में ये नहीं हो पाया। विभव का क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जितनी टोटल एनर्जी चार्ज लेके चले, उनमें से थोड़ी यहां खर्च हो गई, थोड़ी यहां, बाकी बच्चे यहां खर्च कर दिया और फिर से बैटरी पे आ गए। संधारित्र में बैटरी का कुल विभव वी वितरित हो जाता है, ठीक है? सभी संधारित्रों में समान विभव रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, ये डिपेंड करेगा उनकी धारिताओं पर, ठीक है? वितरित हो जाता है। अब अगर वितरित हो जाता है तो हमने क्या माना? कि माना पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभव V1, माना कैपेसिटर 1 की प्लेटों के बीच विभवांतर, जो फर्स्ट कैपेसिटर उसकी प्लेट्स के बीच का विभवांतर हमने कितना मान लिया? V1।
कैपेसिटर टू की प्लेट्स के बीच विभवांतर वी टू कैपेसिटर थ्री की प्लेट्स के बीच विभवांतर वी थ्री, तब V इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। ओके, क्योंकि विभव क्या हो गया, बट गया। देखिए तो पूरा विभव कितना था बैटरी के पास, V, उसमें से V1 इतना यहां खर्च हो गया, V2 टुकड़ा यहां खर्च हो गया, V3 यहां खर्च हो गया। अगर तीनों को आप ऐड कर दोगे तो फिर से आपको V मिल जाएगा। तो ये किसका रूल बन गया, ये रूल बन गया विभव के लिए। हाँ, एक चीज और, यहां V1 V2 V3 क्या होंगे, जहां V1 की वैल्यू आप सभी को एक फॉर्मूला मालूम है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन C। ठीक, अगर V चाहिए किसी भी संधारित्र की प्लेटों के बीच का, तो उसका चार्ज अपॉन उसकी धारिता। V1 क्या है, पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर। इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, पहले संधारित्र पर आवेश बटे पहले संधारित्र की धारिता। तो पहले संधारित्र पर आवेश कितना है, क्यों, क्योंकि आवेश तो सबको सेम मिला है, बटे पहले संधारित्र की धारिता कितनी है, C1। ओके, दूसरे संधारित्र की दोनों प्लेट्स के बीच का विभवांतर क्या होगा, दूसरे संधारित्र पर आवेश बटे दूसरे संधारित्र की धारिता। तीसरे संधारित्र की दोनों प्लेट्स के बीच का विभवांतर कितना होगा, तीसरे संधारित्र पर आवेश बटे तीसरे संधारित्र की धारिता। तो ये जो V1 V2 V3 आप देख रहे हैं ना, इनकी ये वैल्यूज होंगी। आप ये सोच रहे होंगे कि यहां C1 V1 V2 V3 है, C1 C2 C3 है, तो Q1 Q2 Q3 क्यों नहीं है। Q1 Q2 Q3 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सभी संधारित्रों में आवेश की मात्रा समान होगी। तो अगर पहले वाले में Q है, दूसरे वाले में Q होगी, तीसरे वाले में भी Q होगी, Q अलग क्यों होगा, नहीं अलग हो सकता। ओके, अब एक चीज और, विभवांतर सब में अलग अलग होगा। अब बात ही आती मन में, एक क्वेश्चन आपके आ सकता है, आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से कि सर अगर ये पोटेंशियल V था और यहां सबके पोटेंशियल्स अलग अलग हैं, तो किसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा और किसका पोटेंशियल सबसे कम होगा, आप हमसे ये पूछ सकते हैं। तो बेटा आप यहां फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूले में देखिए, V के फॉर्मूले में चार्ज सबको सेम मिला है, धारिता सबकी अलग अलग है। चार्ज सेम है तो चार्ज तो कांस्टेंट हो गया, अब धारिता पर डिपेंड करता है विभवांतर। तो जिस कैपेसिटर की धारिता जितनी ज्यादा होगी, उसके सिरों के बीच का विभवांतर उतना ही कम हुआ करेगा। क्यों, क्योंकि विभवांतर धारिता के विलोमानुपात में है, देखो व्युत्क्रमानुपात में है। तो इन तीनों कैपेसिटर्स में जिसका कैपेसिटेंस सबसे कम होगा, उसकी प्लेट्स के बीच का विभवांतर सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि विभव डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो किसको ज्यादा मिलेगा, हमारे मन में यह क्वेश्चन जरूर उमड़ता है। तो अगर विभव डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो उसको विभवांतर सबसे ज्यादा मिलेगा जिसकी धारिता सबसे कम होगी। ठीक है, हम इसको भी नोट कर लेते हैं। इस स्थिति में जिस संधारित्र की धारिता जितनी कम होगी, इस स्थिति में जिस संधारित्र की धारिता जितनी कम होगी, उसकी दोनों प्लेट्स के बीच, उसकी दोनों प्लेट्स के बीच
विभवांतर, उसकी दोनों प्लेट्स के बीच विभवांतर उतना ही अधिक होगा। ठीक, तो विभवांतर का रूल क्या है कि विभवांतर बट जाएगा सब में, किसको सबसे ज्यादा मिलेगा, जिसकी धारिता सबसे कम होगी उसको सबसे ज्यादा मिल जाएगा। ओके, तो ये हमने चार्ज का और पोटेंशियल का रूल बना लिया, उसकी इक्वेशन बना ली और ये सारा कुछ हमने अब समझ लिया है। अब हमको बचा हुआ है कैपेसिटेंस का रूल बनाने के लिए। तो कैपेसिटेंस का रूल जब बनाना है उसके लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हो। हमेशा याद रखना, ऐसे सिचुएशन पे जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो बंट जाता है, वही इक्वेशन आप ले लीजिए, वही इक्वेशन आप ले लीजिए और वहीं से आगे का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन वन से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास थोड़ी जगह होनी चाहिए जो कि नहीं है, तो आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम कैलकुलेटर करके आपको दिखाते हैं। ओके, नोट कर लें। तो हम समीकरण एक से स्टार्ट करते हैं। अभी आपने नोट भी किया हुआ है, मैंने अपने बोर्ड से साफ कर दिया है क्योंकि मुझे आगे के कैलकुलेशन करना है। समीकरण एक से, क्या समीकरण एक है, v इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। हम वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री की वैल्यू अप्लाई करेंगे। वी वन की जगह पर q अपॉन सी वन, वी टू की जगह पर q अपॉन सी टू और वी थ्री की जगह पर q अपॉन सी थ्री। ये हमने इसमें नोट कर लिया। अब एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। इस सर्किट में पूरा ए और बी के बीच में विभवांतर कितना है, तो ए और बी के बीच का विभवांतर है वी। बात समझ में आई? पूरा ए सी बी में सर्किट में चार्ज कितना स्टोर हुआ, तो चार्ज यहां से गया है क्यू, बैटरी से कितना चार्ज लिया गया Q, और A और B के बीच विभवांतर कितना है V। अगर मैं और संधारित्र कितने लगे हुए हैं, तीन। अगर मैं एक ऐसा संधारित्र ढूंढ लूं, कि अगर हम उसको A और B के बीच लगा दें, वही बैटरी A और B के बीच लगा दें जिसकी धारिता CE है, और उसे हम A और B के बीच लगा दें, तो उसके सिरों के बीच का वोल्टेज कितना हो जाए, V हो जाए। उसके सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी दोनों प्लेट्स के बीच विभवांतर V हो जाए, और वो भी बैटरी से कितना चार्ज ले, वो भी बैटरी से Q चार्ज ही ले। थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करिए हमारी बात। यहां इस बैटरी ने कितना चार्ज दिया है, Q चार्ज भेजा है ना यहां से, और A और B के बीच विभवांतर कितना है V। कितने संधारित्र लगे हैं, तीन। अगर हम एक ऐसा संधारित्र ढूंढ लें, एक ऐसा कैपेसिटर हम सर्च कर लें, पता लगा लें कि वो संधारित्र को जब हम A और B के बीच लगाएं तो उतना ही चार्ज ले जितना ये तीन ले रहे हैं। कितना Q चार्ज, जितना इन तीनों के बीच का विभवांतर है V, उतना विभवांतर इस एक के प्लेट्स के बीच का हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन पर आप याद करिए बेटा, इन तीनों का, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे उन तीनों का तुल्य संधारित्र, और इसकी धारिता क्या कही जाएगी, इसकी धारिता को कहेंगे तुल्य धारिता। अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले। तो उस वक्त इस V का फॉर्मूला क्या होगा, देखो चार्ज कितना आया Q, विभवांतर दोनों प्लेट्स के बीच का है V, धारिता है CE, तो V का फॉर्मूला क्या बनेगा, विभवांतर बराबर आवेश बटे धारिता, आवेश बटे धारिता, Q अपॉन CE। ये फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो यहां पर हम लिख लेते हैं। माना ए व बी के बीच एक
ऐसा संधारित्र, माना ए और बी के बीच एक ऐसा संधारित्र लगाया गया एक ऐसा संधारित्र लगाया गया जिसकी धारिता CE तथा उस पर आवेश Q तथा उसकी दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V है, तब V बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा? V बराबर फॉर्मूला बनेगा Q अपॉन CE, और इस स्थिति में जो CE होगा वो परिपथ की तुल्य धारिता होगी तथा यहां CE परिपथ की तुल्य धारिता है। ठीक है, आपको याद होगा तुल्य धारिता, तुल्य संधारित्र का क्या मतलब है? जितनी आवेश ये तीन मिलकर स्टोर करते हैं उतना ये अकेले करेगा, जितनी एनर्जी ये तीन मिलकर स्टोर करते हैं उतना ये अकेले करेगा। तो उसकी धारिता हमने मान ली CE है और उसको तुल्य धारिता बोलेंगे। अब ऐसे सिचुएशन पे V की जगह Q अपॉन CE लिख सकते हैं, तो हमने इसकी जगह पर लिख दिया Q अपॉन CE इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। अब अगर आप इसे कैलकुलेट कर दोगे, V की जगह वैल्यू लिख दी हमने, इस वाले V की जगह Q अपॉन CE, और CE क्या है? उन तीनों का तुल्य धारिता, A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब ध्यान से देखो, यहां से आप Q कॉमन कर सकते हो, यहां Q अपॉन CE, यहां से अगर Q आप कॉमन कर लेंगे राइट हैंड साइड से, तो क्या मिलेगा आपको? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कैंसल हो जाएगा, फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन CE। CE मीन्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, CE मीन्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसीलिए E के लिए ये सफिक्स आया है और C कैपेसिटेंस के लिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तुल्य धारिता, ये इसका मीनिंग है। तो 1 अपॉन CE इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये तुल्य धारिता का फॉर्मूला निकल आया, और इसकी मदद से अगर तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इस फॉर्मूले की मदद से आप एक धारिता निकाल सकते हैं जो उतना ही चार्ज और एनर्जी स्टोर करेगा जो ये तीन मिलकर करते हैं। और अगर इन तीनों की एक वैल्यू हमको मिल जाएगी तो चार्ज का कैलकुलेशन भी हम आसानी से कर लेंगे और एनर्जी का कैलकुलेशन भी हम आसानी से कर लेंगे। उसके लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। बात समझ में आई? तो ये श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य धारिता का सूत्र आ गया। तो धारिता का फॉर्मूला तो निकाल लिया हमने, चार्ज का रूल बनाया, पोटेंशियल का बनाया, अब कैपेसिटेंस का रूल बनाना चाहते हैं। तो कैपेसिटेंस के बारे में रूल आप देखिए क्या मिलेगा। हमने कितने संधारित्र लिए हैं? तीन संधारित्र लिए हैं। ठीक है, अगर हम दो संधारित्र लेते तो क्या होता? क्योंकि मोस्टली जो आपके सर्किट होते हैं उसमें अधिकतर जगहों पर दो संधारित्र श्रेणी क्रम में मिलेंगे, अधिकतर जगहों पर, मैं सब जगहों पर नहीं बोल रहा हूं, अधिकतर जगहों पर दो कैपेसिटर श्रेणी क्रम में आपको मिला करेंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि अगर दो संधारित्र C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, तब उनकी तुल्य धारिता कैसे निकाली जाएगी? ये तो हमने तीन का लिया है,
यदि दो संधारित्र C1 व C2 श्रेणी क्रम में हैं, तब उनकी तुल्यधारिता CE के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, बता सकते हैं बेटा? देखो, जब तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में हैं, तो उनकी तुल्यधारिता का सूत्र बना 1/CE बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब अगर दो संधारित्र केवल श्रेणी क्रम में लगे होते तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला बनेगा? 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। यही तो बनेगा, तीन नहीं है, दो ही है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो भैया। आप कैलकुलेट करोगे तो 1/CE, इसमें LCM हमने ले लिया, C1 into C2, ये C2 plus C1 आ जाएगा। तो हम चाहें तो C2 plus C1 लिखें या हम C1 plus C2 लिख दें, बात तो वही है। फिर इसके बाद हम इस नंबर को रिवर्स कर देंगे, इसको पलट देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, तो CE की वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर पलट दिया जाएगा तो? ये हो जाएगा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। अब अगर किसी परिपथ में C1 और C2 धारिता वाले दो संधारित्र परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उस परिपथ की तुल्य धारिता निकालने के लिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं। एक, आप इस फॉर्मूले में रख करके वैल्यू पता लगा सकते हैं, दूसरा आप इस फॉर्मूले पे रख करके वैल्यू पता लगा सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ज्यादा आसान किसमें रखकर वैल्यू को पता लगाना होगा? ज्यादा आसान इसमें रखकर वैल्यू को पता लगाना होगा, ठीक है। जैसे एज ए एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। एक एग्जाम्पल ये लेते हैं कि यदि C1, जैसे दो संधारित्र हमारे पास हैं, तो C1 हमने मान लिया 4 माइक्रोफेरेट, C2 भी हमने मान लिया 4 माइक्रोफेरेट, तब CE की वैल्यू कितनी होगी, बता सकते हैं आप? हमने C1 और C2 दोनों ही 4 माइक्रोफेरेट मान लिए हैं कि दोनों संधारित्र परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ऐसे ये ऐसे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं A और यहां B, ये भी 4 माइक्रोफेरड है, ये भी 4 माइक्रोफेरड है। तो A और B की तुल्य धारिता का मान कितना होगा? आप चाहो तो ये फॉर्मूला यूज करो, आप चाहो तो इससे निकाल लो। आप इससे अगर निकालने जाओगे तो C1 की जगह 4 लिखोगे, C2 की जगह भी 4 लिखोगे। तो जरा ध्यान से देखो, 4 × 4 करोगे क्या मिलेगा? 16, 4 × 4, 4 × 4, 16 अपॉन 4 + 4, 8, 16 upon 8, 8 × 2 = 16, तो CE की वैल्यू आ गई 2 माइक्रोफेरड आ गई। अब आप एक चीज देखें बेटा, श्रेणी क्रम में जो संधारित्र हमने जोड़े हुए हैं, यहां से देखने की कोशिश करिए, हमने जो दो संधारित्र जोड़े थे उनमें से एक संधारित्र 4 माइक्रोफेरड का था, दूसरा भी 4 माइक्रोफेरेट का था, लेकिन इनकी जब तुल्य धारिता हमने निकाली है तो तुल्य धारिता कितनी आई है? 2 माइक्रोफेरेट। आपको क्या लगा, इसको देखकर क्या समझ पाए कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता घट जाती है या तुल्य धारिता बढ़ जाती है? सोचकर बताइए। पहले दोनों की अलग अलग धारिता कितनी थी? 4-4। जब उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो धारिता कितनी आ गई? 2 माइक्रोफेरेट। तो धारिता पहले की तुलना में घट गई या बढ़ गई? आंसर है पहले की तुलना में घट गई। ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। क्या, तो आप क्या समझ पाए कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में धारिता का मान घट जाया करता है, बढ़ता नहीं है कभी, याद रख लीजिए। और हम चाहें तो इस बात को हम नोट भी कर सकते हैं। देखो, धारिता का रूल बना रहे हैं ना कैपेसिटेंस के, एक तरीका ये हमको मिला, एक तो फॉर्मूला मिल गया सिंपल सा,
इसमें आप वैल्यू लिखोगे, फिर एलसीएम लोगे, फिर उसको जोड़ोगे, फिर रिवर्स करोगे, तब कहीं आंसर आएगा। इसमें सीधे वैल्यू लिखो, भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। तो ये ज्यादा अच्छा तरीका है, लेकिन केवल दो के लिए मैं बात कर रहा हूं, तीन के लिए चार के लिए होगा, फिर यही लगाएंगे हम। क्या हमने सीखा कि संधारित्रों के श्रेणी संयोजन में धारिता घट जाती है। संधारित्रों के श्रेणी संयोजन में तुल्य धारिता घट जाती है। ठीक है, पहले चार चार थे, जब श्रेणी क्रम में जोड़कर उनका कॉम्बिनेशन का धारिता पता लगाई तो वो केवल दो ही रह गई। इसका मतलब धारिता पहले की तुलना में कम हो गई। तो संधारित्रों के श्रेणी संयोजन में तुल्य धारिता घट जाती है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, तुल्य धारिता घट जाती है और इसका मान जो दोनों संधारित्र आपने जोड़े हैं ना, उनमें से सबसे छोटे वाले से भी कम आता है। जैसे अगर एक संधारित्र मैंने जोड़ लिया 2 माइक्रोफैरड का, एक हमने जोड़ लिया 10 माइक्रोफैरड का, बाई चांस C1 हमने कर लिया 10 माइक्रोफैरड और C2 हमने कर लिया 1000 माइक्रोफैरड। अब आप ध्यान से देखिएगा, दोनों का तुल्य धारिता फिर से निकाली गई तो ये आया 10 × 1000 अपॉन 10 + 1000 करेंगे तो 1010 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा आ गया, ये आ गया 1000/101। अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे ना, तो ये जो आंसर आपको मिलेगा, ये आंसर लेस देन 10 मिलेगा। आप करके देख सकते हैं, 101 का भाग जब 100 का भाग, देखो थोड़ा मैं आपको समझाता हूं, अगर यहां 100 होता फिर आप इसको भाग देते तो कितना मिलता, 10, लेकिन यहां तो 101 है, हर बड़ा है, तो जब इसको भाग दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो 10 से छोटी आएगी। इसका मतलब साफ है कि जो तुल्य धारिता होती है वो सबसे छोटे संधारित्र की धारिता से भी कम आती है। एक धारिता थी 1000, एक थी 10, लेकिन ये 10 से भी छोटा मिलेगी वैल्यू आपको। इसका मतलब है श्रेणी संयोजन में तुल्य धारिता का मान संयोजित संधारित्रों में सबसे कम धारिता से भी कम वैल्यू आती है इसकी। जो सबसे कम धारिता होगी उससे भी कम आया करेगा इसका आंसर। तो तुल्य धारिता घट जाती है तथा तुल्यधारिता घट जाती है तथा इसका मान संयोजित संधारित्रों में से सबसे कम धारिता से भी कम होता है। ठीक, फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूं कि संधारित्रों के श्रेणी संयोजन में तुल्य धारिता घट जाती है, पहली एक बात। दूसरी, तथा इसका मान संयोजित संधारित्रों में से, मतलब जितने संधारित्र आपने जोड़े होंगे, जो जिसकी धारिता सबसे कम होगी, सबसे कम धारिता से भी कम होता है इसका जो मान आता है। अगर आपने एक जोड़ा 1000 माइक्रोफैरड, एक जोड़ा 1 माइक्रोफैरड, तो तुल्य धारिता कितनी आएगी? आंसर है दोनों में सबसे कम कौन है, 1 माइक्रोफैरड, उससे भी कम वैल्यू आएगी इसकी। ये हम आपको समझाना चाहते हैं कि जितने संधारित्रों को आप जोड़ेंगे उनमें से जिस संधारित्र की धारिता सबसे कम होगी उससे भी कम वैल्यू संयोजन की धारिता की आएगी। ओके, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई है। तो ये कैपेसिटेंस का रूल बन गया। कैपेसिटेंस में एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमारे पास n संधारित्र, n समान धारिता के संधारित्र, जैसे हमने यहां 3 लगाए हैं,
हम यहां पर पूरे n संधारित्र लगा लेते और सबकी धारिता हम C1, C2, C3, C4 ऐसा नहीं मानते, बल्कि सबकी धारिता हम कितनी मान लें, C, सबकी धारिता C मान लें, तो उस वक्त तुल्य धारिता A और B के बीच में क्या होगी, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। आप इसे नोट कर लें, इसके बाद हम उस पर आ जाते हैं। ओके, यदि N समान धारिता C के संधारित्र, N संधारित्र हैं और सबकी धारिता समान है, कितनी कितनी है, C, यदि N समान धारिता के संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तब परिपथ की तुल्य धारिता, तब परिपथ की तुल्य धारिता C equivalent is equal to, उस समय जब फार्मूला क्या होता है, तीन लगे थे तो 1/CE = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 लगाया। अब हमने क्या मान लिए हैं कि A और B के बीच हमने कितने कैपेसिटर्स लगा दिए हैं, पूरे N कैपेसिटर्स हमने लगा दिए हैं, ऐसे इस तरह से यहां पर N कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, सबकी धारिता कितनी है, C, सबकी धारिता C है, तो उस वक्त तुल्य धारिता का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/CE = 1/C + 1/C + 1/C + 1/C up to n terms, n पदों तक, भाई तीन थे तो आपने 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 कर दिया, छोड़ दिया, दो रहे तो 1/C1 + 1/C2 करके छोड़ दिया, चार होते तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + 1/C4 करते, n है तो पूरे n पदों तक आपको लिखना पड़ेगा, और सबकी धारिता भी सेम है, C1 C2 C3 ऐसा नहीं है, सबकी धारिता C ऐसे है। अब आप मुझे बताइए इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू कितनी आएगी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 1/C + 1/C इन दोनों का जोड़ कितना आएगा, 2/C 3/C, ठीक है, 2/C, 3 जोड़ेंगे 3/C, 4 जोड़ेंगे 4/C, 5/C ऐसा आएगा, तो हम तो यहां n जोड़ रहे हैं तो कितना आ जाना चाहिए फिर, n/C। ओके, अब इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो CE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पलटना पड़ेगा, C/n आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो तुल्य धारिता होगी, किसी एक संधारित्र की धारिता लेंगे और उसमें संधारित्रों की संख्या से भाग दिला देंगे। ओके, इस तरह से n समान धारिता C के संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो आप उनकी तुल्य धारिता निकाल सकते हो। करना क्या होगा, एक संधारित्र की धारिता, देखो C आ रहा है बेटा ऊपर, C क्या है, किसी एक संधारित्र की धारिता, और बटे में क्या रहा है, जितने संधारित्र आपने जोड़े हुए हैं, मतलब हम ऐसी सिचुएशन पे शब्दों में एक फॉर्मूला बना सकते हैं, तुल्य धारिता बराबर किसी एक संधारित्र की धारिता बटे संयोजित संधारित्रों की संख्या। संयोजित संधारित्रों की संख्या कि आपने कितने लगाए हैं वो यहां पर आपको लेना पड़ेगा, इससे बड़ी आसानी से ऐसा निकल करके आ जाएगा। जैसे बाय चांस कभी क्वेश्चन आ जाए हमारे पास क्वेश्चन आ जाए
कि 2 माइक्रोफेरड के 10 संधारित्र हमने श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। बाय चांस ये एक न्यूमेरिकल ऐसे कभी आ जाता है, यदि 2 माइक्रोफेरड धारिता के 50 संधारित्र, 2 माइक्रोफेरड धारिता के 50 संधारित्र, 2 माइक्रोफेरड धारिता के 50 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो परिपथ की तुल्य धारिता कितनी होगी? परिपथ की तुल्य धारिता कितनी होगी? अब आप देखें, जब C धारिता के N संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए थे तो तुल्य धारिता निकालने के लिए क्या किया? एक की धारिता बटे संधारित्रों की संख्या, यही तो करा। अब 2 माइक्रोफेरड धारिता के 50 संधारित्र समान श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो परिपथ की तुल्य धारिता कैसे निकाली जाएगी? सॉल्यूशन करेंगे। यहां C की वैल्यू कितनी है? हर संधारित्र की धारिता है 2 माइक्रोफेरड। संधारित्रों की संख्या कितनी है? 50 कैपेसिटर्स लगाए गए तो तुल्य धारिता कैसे निकाली जाएगी? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला जाएगा, CE इज इक्वल टू C अपॉन N। C इज 2 माइक्रोफेरड अपॉन 50, मतलब एक जीरो हटाएंगे, एक नंबर पे पॉइंट लगा देंगे, CE इज इक्वल टू 0.04 माइक्रोफेरड। जो तुल्य धारिता आएगी वो 0.04 माइक्रोफेरड के बराबर आ जाएगी। ओके, आई होप कि ये भी अब आपको समझ में आ गया है। इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज और मैं बताना चाहूंगा। जैसे शुरुआत में हमारी क्या प्रॉब्लम थी, शुरुआत में हम जैसे कई चीजें हैं अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? आंसर है, उसकी मदद से हम परिपथ की तुल्य धारिता ज्ञात कर सकते हैं। परिपथ की तुल्य धारिता ज्ञात कर सकते हैं, सीई ज्ञात किया जा सकता है। अब अगर यह पता लगाना हो कि परिपथ में कुल कितना आवेश है या बैटरी से कितना आवेश लिया गया, यह आपको मालूम करना हो, बैटरी से लिया गया कुल आवेश, बेटा ध्यान से देखिए, मैं फिर से आपको बता देता हूं। अभी तक का जो भी कैलकुलेशन था उसमें आप ये निकाल पाए कि अगर एक से ज्यादा कैपेसिटर्स श्रेणी क्रम में लगे होंगे तो तुल्य धारिता के लिए क्या फॉर्मूला है। ठीक है, वो हमने कर लिया, लेकिन आपसे क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में ये भी पूछा जा सकता है कि बैटरी से कितना आवेश लिया गया है, बैटरी से लिया गया कुल आवेश, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपके मुताबिक बैटरी से आपने कितना आवेश लिया है, क्यों, इस Q की वैल्यू कैसे निकालोगे? इस Q की वैल्यू निकालने के लिए आप एक काम करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, Q इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, C इंटू V। C कौन सा लिखोगे, C1, C2, C3 या CE लिखोगे? तो आंसर है हम CE लिखेंगे। और V कौन सा लिखेंगे, A और B के बीच का विभवांतर, तो A और B के बीच का विभवांतर कितना है, V। तो तुल्य धारिता आप इन फॉर्मूलों से निकाल सकते हो जो कि 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये सूत्र आया। परिपथ में लिया गया कुल आवेश कैसे निकाल सकते हो, Q बराबर CE इंटू V से कुल आवेश निकल आएगा। अब बाय चांस कोई पूछेगा इसके सिरों के बीच का विभवांतर, देखो आवेश तो सबको बराबर बराबर मिल जाएगा, आवेश भी हमको मालूम होगा, धारिता भी हमको मालूम होगी। अब कोई पूछने लगेगा इसकी प्लेट के बीच का विभवांतर बताइए, तो पहले संधारित्र की प्लेट के बीच का विभवांतर हम कैसे बताएंगे, V1 इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q/C1, हमने लिखा भी था जब वोल्टेज रूल लिख रहे थे, Q की जगह पर यह वैल्यू लिख देंगे और C1 हमको दिया गया होगा। इसी तरीके से हम चाहें तो दूसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच कितना विभवांतर है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं Q/C2 से, तीसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच कितना विभवांतर है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं Q/C3 से।
इस तरह से तुल्यधारिता तो हम पता लगा ही सकते हैं। उसके साथ साथ बैटरी से लिया गया कुल आवेश Q इज इक्वल टू सी ई इंटू वी से निकाल आएगा, और प्रत्येक संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर भी आप निकाल सकते हो। कहने का मतलब कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं एक बार अगर आपने ये सारा कुछ सीख लिया तो। तो ये आज हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा है। इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को स्टडी करेंगे कि संधारित्रों का समांतर संयोजन कैसा होता है। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अगर किसी भी पॉइंट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। आप इसे बहुत अच्छे से तैयार करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आज हम फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और भी बहुत सारी स्टडी करेंगे लेकिन अगली क्लास पे करेंगे। ओके, थैंक यू।